हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और सभी का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर का कल शुरू किया था, अपना लेसन नंबर 3 विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन होती क्या है, इसका जनरल अपन ने बातें कर ली थी, ठीक है। और उससे संबंधित अपना जो टॉपिक शुरू किया था वो क्या था, चालकों के प्रकार। और चालक दो प्रकार के किए थे अपने, इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघटनी चालक, ठीक है। उसके बारे में हल्का सा डिटेल अपन ने कर लिया था। आज अपन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक चालक व विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉनिक व विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर, यानी दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। इधर लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक चालक, इधर लेते हैं अपन विद्युत अपघटनी चालक। दोनों में अंतर करना है तो नंबर एक है इलेक्ट्रॉन। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा का प्रवाह किन कारणों से होता है, उस आधार पर कितने थे, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन चालक और विद्युत अपघटनी चालक। तो पहला अंतर तो अपन यही कर देंगे कि इनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो क्या लिखेंगे, इनमें विद्युत धारा का प्रभाव, में विद्युत धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। में विद्युत धारा प्रवाह के होते इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और इनमें विद्युत धारा प्रवाह क्या होता है, इनमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है आयनों के इलेक्ट्रोडों के बीच स्थानांतरण के कारण, यानी इनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है विपरीत आयनों का इलेक्ट्रॉन बीच स्थानांतरण के कारण होता है। नंबर जो दो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं उनका ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर, इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक जो चालक होते हैं इनका ताप बढ़ाने पर परमाणु कंपन बढ़ते हैं, परमाणु कंपन बढ़ता है, जिससे जैसे परमाणु कंपन बढ़ेंगे उसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जिससे इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर क्यों घटती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक चालक है उनकी ताप बढ़ाने पर चालकता का मान घटता है, क्योंकि जैसे उनका ताप बढ़ाने पर परमाणु कंपन बढ़ता है जिससे प्रतिरोध का मान बढ़ता है, इससे जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं उनकी ताप बढ़ाने पर चालकता का मान घटता है, जबकि जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है,
विद्युत अपने चालक होते हैं, उनकी चालक ताप बढ़ाने पर क्या होगी, बढ़ती है। जैसे इनका ताप बढ़ाएंगे इसका अपघटन अधिक होता है, अपघटन होता है मुक्त आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, मुक्त आयनों की संख्या में वृद्धि होने की वजह से इनकी चालकता के मान में वृद्धि होती है, ठीक है। और जो नंबर तीन अपना जो अंतर है वो है जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं इनमें कोई रासायनिक, जब विद्युत धारा के इसमें प्रभाव होता है कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इनमें रासायनिक परिवर्तन, इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं इनमें कोई रासायनिक विद्युत धारा प्रवाह में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जबकि जो विद्युत अपघटन चालक होते हैं इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये थे अपने दोनों में अंतर, इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघटन चालकों में अंतर। तो क्या है, इनमें विद्युत धारा प्रवाह के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, इनमें विद्युत धारा प्रवाह होता है आयनों के स्थानांतरण के कारण, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक चालक है उनकी चालकता का मान ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर परमाणु कंपन बढ़ते हैं, परमाणु कंपन बढ़ने की वजह से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, इसलिए चालकता के मान में कमी आती है, घटती है। इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है। नंबर तीन, इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ये था मैं एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चालक विद्युत अपघटन चालकों में अंतर, ठीक है। इसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक और अपना आज करते हैं, और उसका नाम है विद्युत अपघटनों के प्रकार। विद्युत अपघट्यों के प्रकार, विद्युत अपघट्यों के प्रकार, तो पदार्थ के अपघटन के आधार पर जो विद्युत अपघट्य हैं दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, ठीक है। तो नंबर एक है अपना प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, और नंबर दो अपना दुर्बल दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। यानी प्रबल विद्युत अपघट्य और नंबर दो अपना दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य जिनका पूर्ण रूप से वियोजन होता है, जिनका पूर्ण रूप से जिनका पूर्ण रूप से वियोजन होता है वो कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है। और ये किससे बने होते हैं, जो प्रबल विद्युत अपघट्य वो बनते हैं प्रबल अमल व प्रबल क्षार, या तो प्रबल अमल होगा प्रबल क्षार होगा, या प्रबल अमल व दुर्बल क्षार, या तो दोनों प्रबल होंगे, एक प्रबल एक दुर्बल होगा, या दुर्बल अमल व प्रबल क्षार, ठीक है। यानी दोनों, या तो दोनों प्रबल होंगे या एक प्रबल दूसरा दुर्बल होगा, इस प्रकार जो लवण होते हैं उनसे मिलकर जो विद्युत अपघट्य वो कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे बात करें अपन HCl है, NaCl है, NaOH है, Ca3CO Na है आदि, यानी ये जो विद्युत अपघट्य हैं ये सब किस में आते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। यानी फाइनल अपन ये याद रखें जिनका पूर्ण रूप से वियोजन होता है वो सभी क्या कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, यानी प्रबल अमल और प्रबल क्षार से, या प्रबल अमल दुर्बल क्षार से, या दुर्बल अमल प्रबल क्षार से मिलकर जो लवण होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है। और जो नंबर दो अपना दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी जिनका पूर्ण रूप से
वियोजन, पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है, उनका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटन, दुर्बल विद्युत अपघटन। यानी इस प्रकार का जो लोन है उनको छोड़ करके जो भी लोन हो गए उनसे कौन से विद्युत अपघटन बनेंगे, दुर्बल विद्युत अपघटन बनेंगे। जैसे CH3COH एसिटिक, ऐसे CH3COH वगैरह है, NH4Cl है, NH4Cl आदि, इस प्रकार जो विद्युत अपघटन को कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघटन। ठीक है, यह था अपना विद्युत अपघटन प्रकार। कितने हैं? दो प्रकार के, प्रबल विद्युत अपघटन और दुर्बल विद्युत अपघटन। जिनका पूर्ण रूप से वियोजन होता है प्रबल विद्युत अपघटन, किससे मिलकर बनाते हैं, प्रबल अमल प्रबल क्षार, या प्रबल अमल दुर्बल क्षार, या दुर्बल अमल प्रबल क्षार से मिलकर जो लवण होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, प्रबल विद्युत अपघटन। इनके एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जैसे NaCl, NaCl है, NaOH है, CH3CONa है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, प्रबल विद्युत अपघटन। नंबर दो अपना दुर्बल विद्युत अपघटन, यह जिनका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है वो सभी किसके कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटन। और जो ये जो प्रबल थे इसको छोड़कर जितने भी लोन है सारे किसमें आ जाएंगे, दुर्बल विद्युत अपघटन में। इसके एग्जाम्पल ये है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।